पिता रब नबा पिता परमेश्वर आपकी वचन के लिए धन्यवाद। हर एक दिल से बात कीजिए प्रभु, आपकी वचन के लिए सबका दिल को खोलिए, हमारा बीच में प्रभु यीशु आप काम कीजिए। आदर महिमा आपको देते यीशु की पवित्र नाम है, आमीन। प्रभु को स्तुति करेंगे, हालेलुया। सब लोग मिलकर जोर से और एक बार हालेलुया बोलिए, हालेलुया। अपना बाइबल खोलेंगे साम्स चैप्टर 87, सॉरी साम्स चैप्टर 86 वर्स 17, साम्स चैप्टर 86 वर्स 17। जो लोग बाइबल नहीं लाया आपका टीवी स्क्रीन में देख सकता है, साम्स चैप्टर 86 वर्स 17 कोई पढ़िए। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिससे देखकर मेरी बेरी निराश हो, मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि है यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शक्ति दी है, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। हालेलुया, प्रभु को जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए, आंख बंद करके प्रभु के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखाइए, प्रभु मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखाइए। शो मी ए साइन ऑफ योर फेवर लॉर्ड, शो मी ए साइन ऑफ योर फेवर। मखारा का सेके मेरा जीवन की सिचुएशन में, मेरा आज की सिचुएशन में, मेरा आज की परिस्थिति में, मेरा जीवन की दुख में, मेरा जीवन की संकट में, चारों ओर मेरा शत्रु मेरा नाश चाहते हुए मेरी खिलाफ में हथियार को बनाते समय, योजना करते समय, प्रभु जी आप मेरे भलाई के लिए एक चिन्ह दिखाइए, आप मुझे चुटाने के लिए एक चिन्ह दिखाइए, मेरा सारे क्लेश को दूर करने के लिए एक चिन्ह दिखाइए। प्रभु आज तक मैं देखा हुआ मेरा जिंदगी की सारे आंसू, सारे कष्ट, सारे दुख को प्रभु एक अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक चिन्ह दिखाइए। प्रभु रखा लबाना हदना बना सदन गदन रबा, आवाज उड़ाकर प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। एक चिन्ह दिखाइए मेरा जीवन में प्रभु, मेरा परिवार में एक चिन्ह दिखाइए, मेरे बच्चों की पढ़ाई में एक चिन्ह दिखाइए, एक पॉजिटिव चिन्ह, एक भलाई का चिन्ह मेरे फैमिली के लिए दिखाइए, मेरा बिजनेस में दिखाइए प्रभु, मेरा भलाई के लिए, मेरा चंगा के लिए, ओ मेरा उन्नति के लिए, मेरा बिजनेस का उन्नति के लिए, मेरा सेवकाई का उन्नति के लिए, मेरा कलीसिया का उन्नति के लिए, ओ राबा का रखा संडा रा एक चिन्ह दिखाइए। ताने में जाकर प्रार्थना कीजिए, आत्मा में उठावा लगा कर रबा उठावा लगा देने का देना उठेगा लगा लगा दिने का दिनी कटेगा उठेगा लगा लगा दिने का दिनी कटेगे उठेगा लगा लगा दिने का दिनी कटेगा लगा लगा लगे उठेगा लगा लगा दिने का दिनी कटेगा लगे संतों ने कटेगे हीरा रा रा रे हम थोर वो शिया ना बा 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 लॉर्ड शो मी ए साइन ऑफ फेवर। Yes, yes, yes. Oh, Rakalaba, Rakalaba. Holy Spirit, touch every heart. Touch every heart. Touch every heart. Open every heart to receive the message of God. To receive the message of God. Parameshwar ki sandesh ko swikar karne ke liye. Sabka dil ko kholiye. Pavitra Atma, sabhi ko taiyar kijiye. Oh, shata, ta, ta, ta. Rika, ta, 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 ta. Rika, ta, 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 ta. रिका
Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you. Hallelujah. प्रभु की दास, प्रभु की अभिषिक्त और इसराइल की देश की दूसरा राजा दाऊद अपना जीवन में उसको नष्ट करने के लिए, उसको मराने के लिए, उसकी सिंहासन से उसको हटाने के लिए दिन रात शत्रु लोग, दुश्मन लोग उसका पीछा कर रहा था। जंगल में बड़ा बड़ा चट्टान के अंदर गुफा में घुसकर दाऊद अपना शत्रुओं से आमे छुपने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कई बार वह चिपके बैठा। हालेलुया। और रो रो कर प्रार्थना किया जंगल के अंदर, गुफा के अंदर बैठते हुए, परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ प्रभु। हालेलुया। ओ रामा सखा रामा सिया जीसस। ये साम्स चैप्टर 86 उसका चैप्टर हमें वर्स 1 को, 1 2 और 3 को पढ़िए। हे यहोवा, कान लगा कर मेरी सुन ले, कान लगा कर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं, मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं, क्योंकि मैं भक्त हूं, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। हालेलुया। दाऊद कई दिन से, कई सालों से प्रार्थना कर रहा है अपना शत्रुओं से छुटकारा मिलने के लिए। पहला राजा शाऊल था, शाऊल दाऊद के विरोध में था, शाऊल इसराइल की अपना सारे सेना को लगाकर दिन रात जंगल में, पहाड़ के ऊपर, तराई में दाऊद का पीछा कर रहा था, दाऊद को मारने के लिए। हालेलुया। इसलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना किया, कई बार प्रार्थना किया, कई दिन प्रार्थना किया। उसके बाद दाऊद ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मेरा शत्रुओं के कारण, मेरा भलाई के लिए मुझे एक चिन्ह दिखा। हालेलुया। मुझे एक चिन्ह दिखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक साइन मुझे दिखाओ प्रभु। वो चिन्ह को देखकर, वो साइन को देखकर मैं विश्वास करेगा कि सचमुच आप मेरा जीवन में कुछ भला काम करेगा, कुछ मरकल काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेगा कुछ लोगों का लाइफ में जैसा प्रभु ने कुछ चिन्ह को दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए जेनेसिस चैप्टर 9, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 13 को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 13:1-3। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, मैं बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरी और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, वह मेरी और पृथ्वी की बीच में जो वाचा बांधा है उसके लिए एक चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, तब बादल में धनुष दिखाई देगा, बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, यस, उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो, जल प्रलय की द्वारा सब प्राणियों को मैं फिर से नष्ट ना करेगा। यह एक वाचा नूह के साथ, नूह की फैमिली के साथ,
परमेश्वर ने हमें बांधा है नॉट ओनली फॉर हमें नूहस फैमिली बट फॉर ऑल द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर हम जानते कि हमें जेनेसिस चैप्टर 7 और जेनेसिस चैप्टर 8 हम पढ़ेगा, वहां एक बड़ा जल प्रलय हुआ है। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने अपना रूप में बनाया और आदम हवा परमेश्वर से पाप करके परमेश्वर की संगति से अलग हो गया। हालेलुया। आदम पाप करके हमें उसमें से संतान को जन्म दिया और आदम का जनरेशन जैसा नूहा तक पहुंचा 10 जनरेशन तक। जब आदम का जनरेशन बढ़ने लगा तो जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी पूरा हमें पाप से भर गया है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि में सभी लोग अधर्म का काम कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप से पृथ्वी पूरा फैल गया, पूरा भर गया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने के कारण दुखी हो गया और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सारे मनुष्य को और सारे जीव जंतु को मैं मिट्टी से पृथ्वी से हटाएगा, दूर करेगा। एक जल प्रलय की द्वारा, पानी की द्वारा ये पृथ्वी की सारे जीव जंतु को मनुष्यों के साथ में नष्ट करेगा। ऐसा परमेश्वर ने एक प्लान बनाया सारे मानव जाति को, आदम की सारे जनरेशन को। हमें 10 जनरेशन तक उस समय पृथ्वी में लोग आया और सबको नाश करने के लिए प्लान बनाया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर का दृष्टि में नूहा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया। नूहा फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा प्रियो, आपके ऊपर अगर परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें आपका देश में, आपका बस्ती में, आपका स्टेट में कितना भी बड़ा समस्या आए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, भूकंप आए, हालेलुया, बारिश आए, जल प्रलय आए, कोरोना आए, लेकिन आप जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहेगा, आपका प्राण का हानि ना होगा। प्रभु को स्तुति कीजिए, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए सारे मानव जाति को जल प्रलय के द्वारा मस्त करने के लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया, लेकिन नूहा के ऊपर, नूहा का फैमिली के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह आया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना, प्रे फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरा परिवार के ऊपर अनुग्रह कर, मेरे बच्चों के ऊपर अनुग्रह कर। हालेलुया। महामारी से मुझे बचाओ, मेरा परिवार को बचाओ प्रभु यीशु, बीमारियों से बचाओ, दुर्घटना से बचाओ, एक्सीडेंट से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर आएगा, हालेलुया, शैतान कितना भी आपको मस्त करने के लिए कोशिश करे, लेकिन कोई भी शैतान की काम आपके ऊपर प्रबल ना होगा, शैतान की एक भी हथियार आपके ऊपर प्रबल ना होगा। बाइबल कहता है प्राण नाशक वस्तु पीने से भी तेरी हानि ना होगी। हालेलुया। खाना की द्वारा, पानी की द्वारा, तंत्र मंत्र की द्वारा, जादू टोना की द्वारा, हालेलुया, और कोई हत्या की द्वारा आपको नष्ट करने के लिए शैतान प्लान बनाने से भी, या कोई इंसान ऐसा प्लान बनाने से भी, सारे शत्रु की प्लान से और शत्रुओं की हाथ से प्रभु आपको बचाएगा। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जल प्रलय में बाकी सब मर गया, सारे जीव जंतु मर गया। हालेलुया। उसके बाद जब पानी पूरा सूख गया, तब परमेश्वर ने नूहा को एक नया वाचा बांधा। नूहा, अभी मैं जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी की सारे जीव जंतु को और मनुष्य को नष्ट ना करेगा। उसके लिए धनुष को परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में हमें आकाश में रखा है। हालेलुया। जब कभी आप धनुष को देखेगा, आप याद करना ये परमेश्वर का वाचा का एक साइन है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए एक दूसरा सब्जेक्ट में हम जाएगा, जनसिस चैप्टर 24 का 42 से लेकर हम पढ़ेंगे। जनसिस चैप्टर 24 वर्सेस 42 से लेकर। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा,
स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो yes. तो देख मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, मैं जल की ये कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुम्हारी जल भरने के लिए आए yes. और मैं उससे कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला और वो मुझसे कहे पी ले और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी yes. वो वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। Praise the Lord, Hallelujah. यहाँ पर अब्राहम की दास, अब्राहम की दास को अब्राहम ने अपने पास बुलाकर कहा, मेरा बेटा इसहाक के लिए एक स्त्री को आप ढूंढना है शादी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, कितना लोग शादी के बारे में सुनना चाहता है। हालेलुया, विवाह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, ये जो टॉपिक जो है, अब्राहम अपना बेटा इसहाक के लिए एक बेटी को ढूंढने के लिए अपना दास भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, और ये जो बेटी अपना बेटा के लिए परमेश्वर की ओर से मिलने के लिए अब्राहम भी चाहता है और अब्राहम दास भी चाहता है। हालेलुया, तो अब्राहम ने अपना, अभी अब्राहम कनान देश में रहता है, तो कनान देश में पूरा अन्य जाति लोग आमे रहता है, जो लोग परमेश्वर को आराधना नहीं करता, जीवित परमेश्वर को नहीं मानता। इसलिए अब्राहम अपना दास को बुलाकर कहा, इनमें से हमारा ये जो देश का कोई लड़की को मेरा बेटा के लिए शादी ना करवाना, हमें कोई बेटी को ना बुलाना, ना श्रद्ध ना करना, क्योंकि इन लोग परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं मानता है। मेरा प्रियो, बाइबल कहता है परमेश्वर की बच्चों को हमें शैतान की बच्चों के साथ कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं कर सकता। हालेलुया, जो शैतान की वशिप करता है, हालेलुया, उनके साथ परमेश्वर की बच्चों को आमे शादी करके रिलेशन नहीं कर सकता। इसलिए आज यहां पर बैठा हुआ सभी लोग सुनिए, आपका जीवन में या आपका बच्चों का लाइफ में हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आपका बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं। आमे मसीह को स्वीकार करके आमे पानी में उतर कर आमे बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, आमे आत्मा में सच्चाई में आपकी स्तुति आराधना करने वाला मेरा जीवन साथी आपका एक बेटा या बेटी होना है, उसके लिए हमेशा प्रार्थना करना। हालेलुया, तो पर आमे अब्राहम ने अपना बस्ती में अपना दास को भेजा, जहां उसका क्लान है, उसका जो आमे जाति का लोग रहता है, उसका पिताजी का बस्ती में भेजा। प्रेज द लॉर्ड, और अब्राहम ने आपको दास को कहा कि मेरा बस्ती में आप जाना है, बहुत दूर है उसका बस्ती, वहां जाकर आमे मेरा क्लान से या मेरा जो आमे जाति से एक बेटी को मेरा बेटा के लिए आप लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड, तो अब्राहम के दास अपना दो तीन दास लोगों को भी साथ में लेकर, ऊंट को लेकर आमे, और जो बेटी को मिल जाएगा उनको पहनाने के लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी करके उस जगह में चले गए। हालेलुया, वहां जाकर वहां में एक कुआ है, उस कुआ के पास, हालेलुया, ये जो अब्राहम की दास खड़ा किया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जो बेटी को अब्राहम की बेटा के लिए आपने सेलेक्ट किया, आपने चुन लिया है, वह बेटी को ही मिलना है, इसके लिए एक चिन्ह मुझे दिखा। प्रेज द लॉर्ड, एक चिन्ह मुझे दिखाओ कि उस चिन्ह की द्वारा मुझे मालूम पड़ेगा यस, यह परमेश्वर की ओर से है, ये जो बेटी, ये जो कुमारी मेरा आमे मेरा स्वामी का बेटा के लिए आमे परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो और प्रभु हमें अब्राहम की दास प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया कि एक कुआ में जो हमें कुआ में जो कुमारी लोग, जवान लड़की लोग पानी लेने के लिए आएगा,
तो हमारा जैसा कुबा नहीं, उस समय कुबा बहुत बड़ा होता है उस समय का, और कुबा की नीचे तक स्टेप होगा, ऐसा राउंड में हमें स्टेप होगा, और स्टेप में आपको कुबा की नीचे तक, कुबा की अंदर आपको उतरना है। उसका मतलब एक बार कुबा की नीचे उतरकर हमें बाल्टी में पानी लेकर हमें ऊपर आने तक आप तक जाएगा। हालेलुया, उतना लंबा, उतना गहराई और उतना बड़ा कुआ है, वो कुआ की नीचे उतरकर पानी को लेकर स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। इतना इसी काम नहीं है, इसलिए हमें सब लोग तुम दूसरों को मदद करने के लिए ये पानी का विषय में कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना तकलीफ है पानी लाना। हालेलुया, इसलिए दास ने प्रार्थना किया, जिसका ऐसा दिल है कि मुझे भी पानी पिलाएगा और मैं ना मांग कर मेरा घोड़ों के लिए भी हमें पानी पिलाएगा, मेरा जो हमें ऊंट के लिए भी पानी पिलाएगा, वही मेरा स्वामी का बेटा के लिए नियुक्त हमें वधु होगा, जो लड़की होगा। तो उन्होंने प्रार्थना किया, तो बहुत लड़की लोग हमें कुआ में पानी लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उसमें से एक लड़की जो है हमें रिबेका नामक एक लड़की आया, लाबान का बहन। तो रिबेका आकर पानी लेने के लिए उतरा और नीचे से बहुत तकलीफ से पानी को लेकर जैसा बाहर निकला, तो ये अब्राहम की दास उससे पानी मांगा, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, आपका जो बर्तन से थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। हालेलुया, उसका दिल को हमें चेक किया है कि ये बेटी के अंदर दया है क्या, ये बेटी के अंदर दूसरों को मदद करने का एक दिल है क्या, एक ओपन हार्ट है क्या। हालेलुया, अपना हमें धन संपत्ति को, अपना भलाई को प्रभु दिया हुआ, हमें यहाँ मेहनत करके कष्ट करके कमाया हुआ अपना धन, अपना संपत्ति, अपना रोटी, अपना खाना किसी के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए ये बेटी का, ये आ बेटी का एक दिल है क्या, उसको चेक किया है। हालेलुया, तो बेटी ने बोला यस, मैं आपको भी पिलाएगा और आपकी जितना ऊंडे हैं उनको भी पिलाएगा, साथ में जितना लोग आया सभी ग्रुप को, सबको मैं पिलाएगा। मैं बोला ये इतना इसी नहीं, उसको बार बार उतरना और ऊपर आमे पानी लेकर आना, फिर जाना फिर आना, बहुत काम है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप जानता है कि ऊंट बहुत पानी पीता है और ये लोग बहुत दूर से आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जानते हैं कि ऊंट का जो शोल्डर में एक पानी का टंगी है। हालेलुया, वो जो मरुस्थल में लंबा जर्नी के लिए ऊंट अपना टंकी में पानी को हमें जमा करता, मतलब स्टोक करता है, जब मरुस्थल में लंबा लंबा मरुस्थल में सफर करते समय फिर वो टंकी से थोड़ा थोड़ा वो पिएगा। हालेलुया, उसके लिए स्टोर करने के एक स्टोरिंग जगह हमें ऊंट का ऊपर आपको देख सकता है। हालेलुया, इसलिए ऊंट अभी बहुत दूर से आया, अब तो पानी भी खाली होके हमें टंकी पूरा खाली हो गया है, तो वापस जाने के लिए भी उसको ऊंट जरूर पूरा टंकी को भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो बहुत ज्यादा पानी पी सकता है, लेकिन वो जो लड़की बहुत हमें पेशेंटली, पेशेंट के साथ दूसरों को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हमको कष्ट उठाना पड़ेगा, हमको दुख उठाना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमारा कई बहुमूल्य वस्तुओं को खोना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरों को मदद कर पाएगा। हालेलुया, लेकिन वो लड़की तैयार था, मैं कितना भी कष्ट करे, मेहनत करे, काम करे, लेकिन इतना दूर से आने वाला इनको पानी जरूर में पिलाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहता है जब ये स्त्री ने, ये जो लड़की ने ऐसा काम किया, तो अब्राहम की दास को पूरा निश्चय हुआ, पूरा मन में बहुत हमें समझ लिया कि ये प्रभु की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब्राहम के दास उस लड़की के हाथ में उसका खान में ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनाया और उस लड़की ने अपना घर में उनको ले गया, और लड़की का पिताजी से और उसका भाई लोगों से अब्राहम के दास लड़की को मांगा अब्राहम के बारे में, उसका बेटा इसहाक के बारे में ये दास उनसे बात किया। फिर बाइबल कहता है कि उनको मन हुआ कि यहोवा की ओर से ये जो प्रोग्राम, ये जो शादी का
ये ऑफर आया है। हालेलुया। इसलिए उन सब लोग तैयार हो गया, यस, अपना मन में उन लोग निर्णय लिया ये प्रभु की ओर से है, इसलिए अपना बेटी को हम बेच देंगे। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने बेटी से भी बात किया कि आप ये जो दास के साथ, ये जो पुरुष के साथ आप उतना दूर में कनान देश तक जाना बहुत दूर है और आने वाला किसी को भी इन लोग पहचानता नहीं, फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन अब्राहम उनका मतलब रिलेटिव से अब्राहम के बारे में उन लोग जानता है, लेकिन जो लोग लेने के लिए आया उनके बारे में कोई अता पता नहीं है, फिर भी उन लोग बेच दिया। और लड़की को पूछा आप तो जाने को तैयार है, तो लड़की बोल दिया यस मैं तैयार हूं मैं जाएगा। तो उन्होंने ब्लस करके उनको भेजा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने आशीष करके अपना बेटी को भेजा। वर्स 58 से पढ़िए। और उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी, हाँ मैं जाऊंगी। पूर्ण दिल से वह शादी के लिए तैयार हुआ। आमेन, हालेलुया, यस। आगे बढ़िए। तब उन्होंने अपनी बहन रिबेका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। विदा किया। और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देके कहा। हाँ, विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया रिबेका को, ब्लेसिंग प्रेयर करके, ब्लेसिंग वर्ड को अपना बेटी के ऊपर, अपना बहन के ऊपर आशीष का शब्द बोलकर भेजा है, विदा किया है। क्या शब्द बोला? हे मेरी बहन, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बेरियों के नगरों का अधिकारी हो, तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चल के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वो दास रिबेका को साथ लेकर चल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना स्वामी का बेटा के लिए, हालेलुया, अब्राहम के दास, परमेश्वर से चुना हुआ, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, हालेलुया, अपना जीवन साथी को लेकर आया है। मेरा प्रियो, हर एक लड़का और हर एक लड़की के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर ने आमें बनाया हुआ, प्रिपेयर किया हुआ एक लड़का है और एक लड़की भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना जवान लड़का लड़की लोग हैं, आमें आप लोग हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मेरा लाइफ पार्टनर आपकी ओर से होना है। हालेलुया। मैं अपना दिल से, मैं अपना मर्जी से किसी को पसंद करके उसकी साथ ना रहेगा, परंतु आपकी समय के लिए और आपकी इच्छा के लिए मैं प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका लाइफ पार्टनर परमेश्वर की ओर से मिला है तो आपका लाइफ टाइम, आपका मैरिज लाइफ आशीषित होगा, आनंदित होगा और सक्सेसफुल होगा। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 37, उसका चैप्टर वर्स 3 पढ़ेंगे, 37:3। इसलिए अपने सब पुत्रों के बड़े के यूसुफ से प्रतीत रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। याकूब का बुढ़ापे का पुत्र था यूसुफ, इसलिए बाकी सारे बच्चों से बढ़कर याकूब यूसुफ से ज्यादा प्रीति करता था, ज्यादा प्यार करता था। और उसने उसके लिए एक रंग-बिरंगा अंगरखा बनवाया, एक स्पेशल कोट, एक जैकेट। पापा अपना बेटा के लिए एक स्पेशल जैकेट भी बना के उसको पहनाया। हालेलुया। तो पिताजी का सबसे प्यारा बेटा है यूसुफ,
और यूसुफ का 11 भाई भैया लोग 11 भैया लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पूरा 12 लड़का है याकूब का और एक लड़की, टोटल 13 बच्चा है प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूसुफ का जन्म लास्ट में हुआ, एकदम बहुत मतलब उसका बूढ़ापन में यूसुफ का जन्म हुआ, इसलिए याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है जब यूसुफ का 17 ईयर्स उम्र हुआ, 17 ईयर्स जब यूसुफ का उम्र हुआ, एक जवान लड़का बन गया, परमेश्वर उसको बार बार दर्शन दिखाने लगा, आमे स्वप्न देते रहा और परमेश्वर का एक एक स्वप्न को देखकर यूसुफ अपना फैमिली के साथ, अपना भैया भाई भाइयों के साथ, अपना पापा मम्मी के साथ हमेशा शेयर करता था। और उसका स्वप्न के कारण और उसका पिताजी बाकी सारे भाइयों से बढ़कर यूसुफ को ज्यादा प्यार करने के कारण यूसुफ का सारे भाई लोग उससे नफरत करता था, उसकी निंदा करता था, उसका बदनाम करता था हालेलुया। और यूसुफ से उन लोग कभी भी प्यार से बात नहीं करता था प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो बाइबल कहता है एक दिन उसका पिताजी आमे याकूब अपना बेटा यूसुफ को, उसका बाकी बेटा लोग जो बकरी को चराने के लिए जंगल में चले गया, बहुत दूर दूर कई पहाड़ों को पार करके उन लोग बकरी को लेकर बहुत दूर तक चले गया, तो अपना बच्चों को ढूंढने के लिए ये जो बेटा को पापा ने भेजा हालेलुया, वो हमें पापा ने उसके हाथ में खाना पीना सब कुछ दे दिया, बोला कि जाकर अपना भाइयों को ये खाना खिलाओ और उनका सुस हमें समाचार को सुनकर आप वापस आके मुझे बताना प्रेज द लॉर्ड। तो यूसुफ गया बहुत दूर, बहुत तकते हुए, बहुत मेहनत करके 2-3 पहाड़ को चढ़कर उतरकर आमे लास्ट में अपना भाई लोगों को मिल गया। जब दूसरे यूसुफ आते हुए भाई लोग देखा तो भाई लोगों ने कहा देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, उसको आज हम नष्ट करना है, उसको आज हम खत्म करना है, तो हम देखेगा उसका स्वप्न हमें पूरा होगा या नहीं। मेरा प्रियो, अगर परमेश्वर आपको एक स्वप्न दिया है, अगर परमेश्वर आपको एक दर्शन दिया है, अगर परमेश्वर आपका लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक रियल पिक्चर दिया है, उस जगह तक आप पहुंचने में बहुत तकलीफ होता है, आपका रास्ता इतना इजी नहीं है। स्वप्न देखना अच्छा है, दर्शन देखना अच्छा है, प्रोफेसी सुनना अच्छा है, लेकिन आपका अभी का सिचुएशन से लेकर आपका जो दर्शन, जो प्रोफेसी, जो स्वप्न, जो फ्यूचर प्रभु आपके लिए रखा है, आपका जो डेस्टिनेशन, वहां तक पहुंचने में बहुत तकलीफ या बहुत दाम आपको हमें देना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। जो सबका लाइफ में आमे उन्होंने दर्शन देखा, स्वप्न देखा, स्वप्न बहुत बढ़िया स्वप्न था, बहुत अच्छा स्वप्न था हालेलुया, परमेश्वर की ओर से बहुत आदर सम्मान मिलने वाला और लोगों के सामने बड़ा पोजीशन में पहुंचने वाला ऐसा बड़ा स्वप्न जो सब देखा, लेकिन हालेलुया उसका लाइफ में जो कुछ उन्होंने सहन लिया है वह स्वप्न की एकदम खिलाफ में, एकदम विरोध में उसने सारे दुख को, कष्ट को सहन लिया। उसका भाई लोग उसको छोड़ दिया, उसका भाई लोग जब उसको मिला हम उसका खाना पीना को छीनने के बाद यूसुफ को पकड़ कर एक कुआ में डाल दिया हालेलुया। उसके बाद हमें एक हमें इस्माएली हमें लोगों के हाथ में यूसुफ को लोग बिक्री कर दिया, पैसा से बिक्री कर दिया हालेलुया। और यूसुफ को उन्होंने मिस्री में एक दूसरा देश में पहुंचाया, अलग कंट्री में पहुंचाया, इजिप्ट कंट्री में पहुंचाया। और इजिप्ट की राजा फरावो का एक बड़ा ऑफिसर था फतीफर ने यूसुफ को दाम देकर हमें खरीदा हालेलुया, अपना दासत्व का काम कराने के लिए, घर का काम कराने के लिए यूसुफ को खरीद लिया प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ अपना काम यूसुफ के हाथ में दे दिया, बाइबल कहता है यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए जो कुछ काम यूसुफ ने किया सब कुछ सफल हो गया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उसके बाद ये जो ऑफिसर का पत्नी की द्वारा और पत्नी के कारण यूसुफ को एक दिन बिना कारण, बिना कुछ पाप करके, गलती करके हालेलुया
उसका पत्नी ने जोसेफ के ऊपर आमेन आमेन ऐसा दोष लगा के उसको जेल में जाने दिया। हालेलुया। कई साल तक जोसेफ जेल के अंदर आमेन अलग देश में अलग कंट्री में बैठा। उसका पिताजी नहीं जानता है, उसका मम्मी नहीं जानता है, उसका भाई लोग नहीं जानता है कि अभी जोसेफ का कंडीशन क्या है। अभी का जैसा कोई फोन कॉल नहीं कर सकता, ऐसा कोई आम सुविधा उस समय नहीं है। हालेलुया। और उसके अलावा उसका भाई लोग जोसेफ का जो आमे जो कोट था जो जैकेट था उसको एक बकरी के लहू में भिजाकर अपने पापा के हाथ में पहुंचाया और उन्होंने कहा कि जोसेफ को कोई जानवर आमे काट कर उसको खत्म कर दिया होगा। देखो उसका जो जो जैकेट जो है उसको हमको हमको मिला है करके पापा के पास याकूब के पास पहुंचाया। जब से वो जैकेट को पापा देखा तब से सचमुच मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा को कोई जानवर खा लिया सोच के वो दुखी होकर रो रो के बैठा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कई साल चले गया लेकिन उसके बाद एक दिन आमे फरवो राजा का दूसरा दो दस लोग सेवक लोगों को कुछ गलती के कारण जो सेल के अंदर जो जेल में जो सब बैठा था सेम जेल के अंदर उन दोनों को भी आमे फरवो राजा ने पनिशमेंट के लिए भेजा। हालेलुया। और उन दोनों ने एक एक स्वप्न देखा, उनका अर्थ उनको समझ में नहीं आया तो जोसेफ से उन लोग शेयर किया तो जोसेफ दोनों का स्वप्न की अर्थ अच्छा से बताया। वो जैसा उनका स्वप्न के अर्थ बताया वैसा दोनों का लाइफ में हुआ। हालेलुया। आमें एक उसमें से एक को फरवो राजा आमें खात करने दिया, खत्म करने दिया, दूसरा को फरवो राजा अपना पुराना ऑफिस में पुराना काम के लिए वापस बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम हमें फरवो को भी स्वप्न दिखाया पर फरवो का स्वप्नकर्ता बोलने वाला इजिप्ट में कोई भी नहीं था। उस समय स्वप्न का अर्थ को ढूंढते समय ये जो फरवो का एक दास जो था उसने जोसेफ के बारे में शेयर किया, फरवो राजा को बताया तो फरवो राजा ने बोला जल्दी जोसेफ को बुला। उन्होंने जोसेफ को फरवो राजा के सामने लेकर आया। मेरा प्रियो, परमेश्वर आपका लाइफ में जो हमें डेस्टिनेशन रखा है उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंचने का एक एक स्टेप मैं अभी बता रहा हूं, एक एक स्टेप। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी राजा के सामने जोसेफ को लाया और राजा अपना स्वप्न शेयर किया और जोसेफ उसका अर्थ को अच्छा से बताया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ देखिए जेनेसिस चैप्टर 41 उसका 38 से लेकर अभी हम पढ़ेगा। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 38 से लेकर। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, कर्मचारियों से फिरौन राजा ने कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर आत्मा रहता है, ऐसा पुरुष जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है क्या? फिरौन ने यूसुफ से कहा, यस परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, यस वो इस कारण कि तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, yes. केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ, yes. तो फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी, yes. बड़ाई मल मल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, yes. और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर धन्यवाद करो और अपने उसके और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर
प्रधानमंत्री ठहराया। आमेन। मिस्र की सारे देश की ऊपर योसेफ को प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। अपना प्रधानमंत्री का आमे वस्त्र पहनने दिया, अपना प्रधानमंत्री को सफर करने के लिए रथ दे दिया। हालेलुया। और योसेफ को परमेश्वर मिस्री देश में आशीष किया, उसको परमेश्वर ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो चिन्ह परमेश्वर योसेफ को दिखाया, जो स्वप्न परमेश्वर योसेफ को दिखाया, वह स्वप्न अभी योसेफ के जीवन में पूरा हुआ। आमेन। मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन में भी परमेश्वर कुछ ना कुछ चिन्ह दिखाया है, स्वप्न दिखाया है, दर्शन दिखाया है, प्रभु आपको बात किया है। एक दिन प्रभु आपको बोला हुआ उसका सारे प्रॉमिस, सारे चिन्ह, सारे बात, सारे स्वप्न पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसका पिताजी याकूब, मेरा बेटा मर गया, मैं भी मरने के बाद जहां मेरा बेटा की आत्मा है वहां जाकर मेरा बेटा को मिलेगा सोचकर दुखी होकर रहता था। लेकिन बाइबल कहता है एक दिन अचानक योसेफ का रथ अपना पापा को लेने के लिए आमे पिताजी का घर के सामने आ गया। हालेलुया। और योसेफ का भाई लोग आमे अपना बस्ती में जाकर अपना पिताजी को संदेश दिया, आपका बेटा योसेफ जिंदा है, हम इजिप्ट में जाकर उसको मिला है, वह अभी इजिप्ट देश का प्रधानमंत्री बन गया और आपको ले जाने के लिए आपकी बेटा योसेफ ने रथ को भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको देखकर याकूब का प्राण वापस आया। याकूब तो जिंदा था लेकिन योसेफ मर गया सोच के जीवन भर वह हमें मुर्दे की समान दुखी होकर बैठा था। लेकिन जब उसको संदेश मिला कि आपका बेटा योसेफ जिंदा है, वह इजिप्ट का प्रधानमंत्री है और आपको अभी इजिप्ट में ले जाने के लिए उसका हमें स्पेशल गाड़ी, गवर्नमेंट का गाड़ी भेजा है, ऑफिशियल गाड़ी भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा प्रियो, भलाई के लिए एक चिन्ह जरूर प्रभु दिखाएगा। आज आपका जीवन में बुराई होगा, आज आपका जीवन में दुख होगा, आज आपका जीवन में रोना होगा, आंसू होगा, सब आपको निंदा करता होगा, सभी लोग आपका बदनाम करता होगा, चारों ओर आपका दुश्मन होगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन के बीच में भी अपना विश्वास को नहीं छोड़ना, प्रभु पर पूरा भरोसा रखना, विश्वास रखना, तो एक दिन प्रभु आपका स्वप्न को पूरा करेगा और आपका साइन को भी प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। और दो साइन के बारे में मैं जल्दी बोलकर प्रार्थना करेगा। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 41 टू 46। फर्स्ट किंग्स पहली राजा 18 अध्याय 18 वर्स 41 फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट, भारी वर्षा की सनसनाहट का शब्द तुम पर की है। यस। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल पहाड़ की चोटी पर एलिया जाकर प्रार्थना के लिए घुटना टेका। यस। और भूमि पर गिर गिराकर अपना मुंह उठाकर मस्सी किया और अपने और उसने अपने सेवक से कहा, चलकर समुद्र की ओर दृष्टि कर कि देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता, कुछ साइन में देखा नहीं है, कुछ भी साइन देखा नहीं, मतलब आप तो प्रार्थना कर रहा है लेकिन उत्तर नहीं मिला अभी तक।
प्रार्थना कर रहा है उत्तर नहीं मिला, फास्टिंग बैठा है उत्तर नहीं मिला, अभी तक कोई साइन नहीं है। लेकिन एलिया बोला 7 बार आप जाकर देखो, जरूर आप साइन देखेगा। हालेलुया, आगे बढ़िए। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा, फिर 7 बार जा। सातवीं बार उसने कहा, सेवंथ टाइम, सातवीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा, मनुष्य की हाथ के समान एक छोटा सा मेघ, बादल उठ रहा है, बादल उड़ रहा है। एलिया ने कहा आहाब के पास जाकर कर रथ जुटवा कर निचले जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। यस, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाए हुए घटों और आधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई, एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर आहाब के आगे आगे, कि वह कमर बांध कर आहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 में आपको देख सकता है इस्राएल लोग पाप करके परमेश्वर को छोड़कर हमें बाल देवी देवता को हमें वशिप करके उनका मूर्ति पूजा करके परमेश्वर को दुख देने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण परमेश्वर ने अपना दास एलिया को आहाब राजा इस्राएल की राजा के सामने भेजा और एलिया नबी प्रोफेट एलिया आमें राजमहल में फारस में जाकर आहाब राजा के सामने खड़ा करके बोला है, हालेलुया, जो परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, हालेलुया, आमें उसकी द्वारा जिसकी सामने मैं दिन रात खड़ा करता है मेरी प्रार्थना में, और वह कहता है जब तक मैं ना कहेगा तब तक इसराइल पर मेघ ना बरसाएगा, बारिश ना गिरेगा। लोगों के पाप के कारण, आम इसराइल लोगों की गलती के कारण परमेश्वर इसराइल देश में बारिश गिराना बंद कर दिया। आम बारिश बंद हो गया, 3.5 साल तक इसराइल में बारिश नहीं गया, इसराइल में पूरा अकाल पड़ा, सारे नदी पूरा सूख गया, आम आदमी को जानवर को पीने के लिए पानी का शॉर्टेज हो गया, आम जंगल में सारे जंतु मर गया, सारे मछली मर गया, आम बहुत तकलीफ हुआ। हालेलुया। लेकिन उसका बीच में परमेश्वर लोगों से बात करते रहा। कर्मेल पहाड़ के ऊपर एलिया सारे इस्राएल लोगों को बुलाया, वहां वेदी पर आमें उन्होंने परमेश्वर के लिए बैल को काट कर आमें उन्होंने परमेश्वर के लिए आमें ऑफरिंग चढ़ाया, आमें सैक्रिफाइस चढ़ाया, और उसके ऊपर आकाश से आग उतर कर एलिया का वह बलि को परमेश्वर ने स्वीकार किया और बलि को भस्म कर दिया। हालांकि उसकी बाप उसको देखकर सारे इसराइली लोग परमेश्वर के सामने और उसकी वेदी के सामने दंडवत करके उन्होंने कन्फेस किया, सारे पाप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, कन्फेस किया, माफी मांगा और बोला कि इसराइल में केवल आप ही यहोवा है, आप ही परमेश्वर है, यहोवा ही जीवित परमेश्वर है, हम आज से आपको ही सेवा करेगा, आपको ही फॉलो करेगा, आपके लिए जिएगा। हालेलुया। तो जो लोग जब मन फिराया, मन फिराने के बाद परमेश्वर ने एलिया को एक बड़ी एक आमें बारिश का आमें एक आवाज उसको सुनने दिया। उस आवाज को सुनकर एलिया राजा को बोला आप जल्दी चले जाओ, बड़ी बारिश आमें अभी गिरेगा। उसके बाद एलिया उसी पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करके बैठा और प्रार्थना करते समय अपना दास का बोला कि कोई चिन्ह देख सकता है क्या, कोई चिन्ह देख सकता है क्या। मेरा प्रियो, आप प्रार्थना कर रहा है अपना बेटा के लिए, कब मेरा बेटा मन फिराएगा, अपना हस्बैंड के लिए, कौन सा दिन मेरा हस्बैंड दारू छोड़ेगा, झगड़ा छोड़ेगा, हमें मेरा साथ चर्च में आएगा। कितना साल आप प्रार्थना किया, कितना साल आप फस्ती बैठा, कितना आप सुबह आया, लेकिन बाइबल वचन कहता है और परमेश्वर की आत्मा कहता है एक
दिन प्रभु आपके लिए भी एक मेघ का चिन्ह दिखाएगा, आपके लिए हाथ की समान एक बादल उठेगा। हालेलुया, आपकी प्रार्थना की उत्तर को लेकर एक चिन्ह आपकी दरवाजा को भी कटकटाएगा, आपका प्रार्थना का रूम को कटकटाएगा, एक चिन्ह आप देखेगा। हालेलुया, और आपका सारे प्रार्थना का उत्तर को आप अपना लाइफ में जरूर देखेगा। हालेलुया, अपना जीवन में, बच्चों का लाइफ में, पड़ोसी का जीवन में, फैमिली में, हमें हालेलुया, हस्बैंड का लाइफ में, आपका बिजनेस एरिया में, मिनिस्ट्री एरिया में, प्रार्थना की एरिया में, ओ हालेलुया, परमेश्वर का चिन्ह आप देखेगा। पीसीएफसी परमेश्वर का चिन्ह देखेगा, ए पेंटेकोस्टल क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च, ये हेडक्वार्टर लेकी, ये कंपाउंड परमेश्वर का चिन्ह को देखेगा। ओ राका बासी का रबा, क्योंकि परमेश्वर आपकी बच्चों का आंसू को देखता है, प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, और आपके लिए भी एक चिन्ह प्रभु जरूर दिखाएगा। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, जल्दी और एक वचन बोलकर मैं प्रार्थना करेगा, क्योंकि जो मैसेज मैं तैयार किया उसको बोलेगा तभी खत्म हो जाएगा। इसलिए आईसीआर चैप्टर 38 वर्स 7 और 8 समय मैं अलग सब्जेक्ट के ऊपर प्रचार करेगा, फिर उसको फिर छोड़ना पड़े, इसलिए मैं पूरा बोलता है, क्योंकि नेक्स्ट संडे अलग सब्जेक्ट प्रभु देगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए ये जो वचन भी लिखा उसको बोलेगा, आईसीआर 38:7-8 जल्दी पढ़िए। यहोवा अपने इस गहरे में वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं उस अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा, तथा वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर ने हिजकिय्याह हिजकिय्याह राजा के लिए एक चिन्ह दिखाया है। हालेलुया, हिजकिय्याह राजा का जीवन में एक दिन परमेश्वर अपना दास आइसैया की द्वारा बात करने दिया कि आप अपना घर को तैयार करो, अपना घर का सारे सेटलमेंट करो, अपना पामे बेटा बेटी को सबको बुलाकर सबको अपना भाग करके हमें जिसको अपना भाग देना दे दो, सब कुछ सेटल करो, क्योंकि अब मर जाएगा, आप जीवित ना रहेगा, आपका मृत्यु का समय आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, ये संदेश प्रभु की दास यशायाह की द्वारा परमेश्वर ने बोलने दिया। ये संदेश को सुनकर आमे हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका वर्स 2 देखिए, 38 का आमे वर्स 2 की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना किया। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, यस, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपनी अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, यस, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ, और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं पूर्ण दिल से सच्चा मन से आपकी सेवा किया है, इसलिए अभी मुझे मरने ना दीजिए, मेरा आयु को आप लंबा कीजिए, मेरा लाइफ को आप एक्सटेंशन करके दीजिए, और कुछ साल इस पृथ्वी पर जीने के लिए मुझे आप अवसर दीजिए प्रभु। हालेलुया। कई बार प्रोफेट लोगों का एक प्रॉब्लम ऐसा होता, जो प्रोफेट अपना मुंह से जो प्रोफेसी बोल दिया वो प्रोफेसी पूरा नहीं होने से प्रोफेट दुखी होता है ना। हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रोफेसी पूरा नहीं हुआ, ऐसा दुखी नहीं होना। आमेन, क्योंकि हर एक प्रोफेसी पूरा नहीं होता। हालेलुया, लोगों की प्रार्थना के कारण कई प्रोफेसी जो परमेश्वर ने बोला हुआ प्रोफेसी को भी परमेश्वर कैंसिल करेगा। इधर कैंसिल हुआ है, परमेश्वर ने अपना दास को भेजा है कि राजा को जाकर प्रोफेसी बोलना कि आप मर जाएगा, लेकिन जब राजा रो रो कर प्रार्थना किया तो परमेश्वर उसका रोना को सुनकर आंसू को देकर अपना योजना को चेंज किया,
और जो प्रोफेट को पहले भेजा उसी को वापस जाते हुए रास्ता में पकड़कर परमेश्वर वापस भेजा, फिर वापस जाकर उसको बोलो आपकी प्रार्थना प्रभु सुन लिया, आपकी आंसू को प्रभु देखा, इसलिए 15 साल आपका लाइफ को प्रभु एक्सटेंज करके देगा। हमारा प्रॉब्लम हमको कुछ प्रोफेसी प्रभु मिलने से उसको पूरा होने के लिए हम दिन रात रो रो के बैठेगा, प्रभु जो प्रोफेसी आप बोला उसको पूरा होने दो, जिसको मरने का मरेगा बोला वो मरने दो, उसको डेड बॉडी मुझे देखना है, तब लोग बोलेगा मैं सच्चा प्रोफेट है ना। हालेलुया, क्योंकि आदमी जिसको मरेगा बोला नहीं मरने से आपका प्रोफेसी गलत हो जाएगा, आदमी आपको निंदा करेगा, आप तो बोला तो मरेगा, मरा नहीं, उसका मतलब आपका प्रोफेसी का गलती नहीं है, वह पश्चाताप हुआ, वह प्रार्थना किया, वह परमेश्वर के सामने अपना गलती के लिए पाप के लिए हमें माफी मांगने के कारण उसका पाप को प्रभु क्षमा किया, उसका लाइफ को एक्सटेंड करके दिया। तो हम प्रोफेट जो प्रोफेसी बोला है वह भी प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु थैंक यू, क्योंकि हमारे लिए किसी का डेथ देखना, किसी का मृत्यु देखना, किसी कैंसर होके देखना, कोई बीमार होके देखना, कोई लंगड़ा होकर देखना हमारा इच्छा नहीं है, कोई प्रभु की दास उसमें खुशी भी नहीं होना, कोई भी, कोई प्रभु की दास या प्रभु का दासी या कोई प्रभु का बच्चा दूसरों का लाइफ में ऐसा तकलीफ आना, ऐसा दुख होना, ऐसा बीमार होना, ऐसा मृत्यु होना, ऐसा एक्सीडेंट होना कभी नहीं चाहना और उसमें खुशी नहीं होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने के लिए किसी का लाइफ में प्रभु हमें इवन वार्निंग देता होगा, वो वार्निंग तो जरूर बोलना है लेकिन उसको पूरा हो करके नहीं बैठना, वो चेंज होने के लिए, हालेलुया, वो हमें मन फिराने के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु वो मन फिराने दो, आपने जो प्रोफेसी बोला वह उसका लाइफ में होने ना दीजिए, होने ना दीजिए प्रभु, ऐसा हापन नहीं होने दीजिए, ऐसा प्रेयर करना। ये सब लोग खड़ा करेंगे, प्रभु के चरणों में खड़ा कीजिए। यहां पर लिखा है हालेलुया, ये जो राजा का लाइफ को परमेश्वर 15 साल और एक्सटेंड करके दिया है उसके लिए प्रभु एक चिन्ह भी दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ओ रबा सिखा रबा, ऑफरिंग के लिए कोयर तैयार हो जाइए, आज का कोयर, हालेलुया, और सभी लोग ऑफरिंग को अपने हाथ में ले लीजिए। उडारमा सत्थो रिमा उठमन दिगा थेरिया रिमा नबा बाबा बा सत्थो रिया नबा बा शब्दरे। ओ वी वर्शिप यू, हालेलुया। धूप की छाया जो आकाश की धूप खड़ी में ढल गई, परमेश्वर ने बोला मैं 10 अंश पीछे की और लौटा दूंगा, एक चिन्ह में दिखाएगा कि आज आपका अंत ना होगा, आपका जीवन में ऐसा चिन्ह में दिखाएगा कि आपका नाश ना होगा। कितना लोग प्रार्थना करते प्रभु जी मेरा नाश ना होगा, मेरा मृत्यु ना होगा, ये कैंसर हमें मेरा अंत नहीं है, ये ट्यूमर मेरा अंत नहीं है, ये एक्सीडेंट मेरा अंत नहीं है, मेरा लाइफ को प्रभु एक्सटेंशन करके देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करके ओ रबसिया प्रार्थना करेगा, हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरा भलाई के लिए एक चिन्ह दिखाई, एक भलाई का एक चिन्ह मेरे लिए दिखाई, मेरा फैमिली के लिए, मेरा बच्चों के लिए भलाई का एक चिन्ह दिखाइए प्रभु। हालेलुया, आने वाला दिनों में आज का संदेश, हालेलुया, आपका जीवन में प्रभु दिखाएगा, आपका जीवन में एक नया चिन्ह को, जो विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है और जिस विषय में आप दुखी होकर बैठा है और जो विषय से आप बाहर हमें आ नहीं पा रहे उसमें एक चिन्ह जरूर प्रभु दिखाकर आपको आशीष करेगा, आपका मिनिस्ट्री के लिए, आपका चर्च के लिए, आपका बिजनेस के लिए, आपका फैमिली के लिए, आपका बच्चों के लिए प्रभु जरूर भलाई का चिन्ह दिखाएगा, भलाई का चिन्ह दिखाएगा। प्रभु आशीष करे, आइए कोयर गाना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस।